शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रबी आखिरली मुदखला सिदकिन व आखरिजनी मुखरजा सिदकिन व जाली मिल्ल उनका सुल्तान नसीरा। अब क्विक रिव्यू ऑफ एम सी क्यूज में हम कुछ एम सी क्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जल्दी से आप छोटे छोटे एम सी क्यूज़ की जो स्टेटमेंट है उनको हम समझने की और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिसर्च इज़ डिफाइंड के रिसर्च की जो डेफिनेशन है वो कैसे होती है। नंबर ए है केयरफुल सर्च इंक्वायरी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव डी होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉट रिसर्च, रिसर्च में क्या शामिल नहीं है। इसमें इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू होल्स्टर अ प्री कॉन्सीव्ड ओपिनियन, यही ए इसका जवाब होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देयर इज़ ओनली पर्सन हु हैज़ डिफाइंड एजुकेशनल रिसर्च, ही इज़ एक वाहिद इंसान जिसने एजुकेशनल रिसर्च को डिफाइन किया है, वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब है डब्ल्यू एम ट्रैवर्स, बी ऑप्शन। इसके बाद है फोर्थ, हु सेड एजुकेशन रिसर्च इज़ दैट एक्टिविटी विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। ये स्टेटमेंट किसकी है, या आमतौर पर स्टेटमेंट इस तरह की वो देकर कमीशन के पेपर में भी आपसे पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसकी दी हुई है। तो इसका सही जवाब जो है वो डब्ल्यू एम ट्रैवर्स ही है। नेक्स्ट है अ मैन इन हीज सर्च फॉर ट्रूथ हैज़ अपील टू फाइव सोर्स ऑफ एविडेंस, दोज आर, वो एविडेंस जो है सोर्स वो कौन से हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, रीजनिंग फ्राम सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशंस। नेक्स्ट विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस, साइंस की खसूसियात में कौन सी जुज शामिल नहीं है। इसका सही जवाब सी है, साइंस इज़ नॉट फ्री फ्राम इमोशनल बायस, ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट व्हाट विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च की करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। इसका जवाब सी है, डज़ नॉट रिक्वायर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जब एक मजमून का एक सब्जेक्ट का दूसरे से साथ कनेक्ट करके उनको रिलेट करके जब पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च इज़ ऑफ टू टाइप्स है, थ्री टाइप्स है, फोर टाइप्स है और मैनी टाइप्स है। एक्चुअली जो रिसर्च है, रिसर्च की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं जैसा कि आप जानते हैं। एक रिसर्च बाय पर्पस है, दूसरा रिसर्च बाय मेथड है। रिसर्च बाय जो पर्पस है उसकी थ्री टाइप्स होती हैं। तो अगर रिसर्च बाय पर्पस पूछता है तो उसकी थ्री टाइप्स होंगी, बी जवाब होगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिसर्च, और जो टाइप ऑफ रिसर्च है वो कौन सी है, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, ऑल ऑफ द अबव है। ये तीनों जो है ये टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस हैं और ये तीन ही इसकी अकसाम है। तो इसका जवाब डी आएगा। नेक्स्ट है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च इज़ आल्सो नोन एज, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। तो इसका जवाब ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है स्टीफन एम कोरे इज़ एसोसिएटेड विद, स्टीफन एम कोरे किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका जवाब है एक्शन रिसर्च के साथ स्टीफन एम कोरे रिलेटेड है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज़ वेरी वास्ट, जो एजुकेशनल रिसर्च का स्कोप है वसत है वो बहुत वसी है। द प्रॉब्लम इंक्लूडेड आर एजुकेशनल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, मैथमेटिकल। तो इसमें चूँकि एजुकेशनल रिसर्च है तो इससे एजुकेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होंगे। एजुकेशनल इसकी जो ऑप्शन ए जवाब होगा। द फील्ड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च की जो फील्ड है वो कहते हैं कितनी है, 10 है, 15 है, 16 है या मैनी है। एजुकेशन रिसर्च की कोई महदूद या वेल डिफाइंड फील्ड्स नहीं है जबकि बल्कि मैनी है। तो इसका जवाब डी होगा। इन आर्डर टू लोकेट अ प्रॉब्लम वी हैव टू डिवेलप, हमें किस चीज़ को डिवेलप करने की ज़रूरत होती है प्रॉब्लम को लोकेट करने के लिए। इसका जवाब भी सी होगा कि प्रॉब्लम अवेयरनेस है, प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस है और ए एंड बी बोथ हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द बिगेनर्स इन रिसर्च सफ़र, जो इब्तदा में जो बिगेनर्स होते हैं उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इसका जवाब ऑप्शन ए है, प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस का। नेक्स्ट है हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च हैव बीन आइडेंटिफाइड बाई आर एडमिटेड बाई गुड पावर एंड स्केट्स, इनकी तरफ से कौन से जो अकसाम हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं। उसका जवाब सेवन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज़ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने का सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया कौन सा है। तो इसका जवाब डी है, ऑल ऑफ द अबव। नॉवेलिटी हो उसमें कि नॉवेल हो, अनोखा हो, वेबिलिटी ऑफ डेटा उस पर डेटा भी हमें दस्तियाब हो,
यूज़फुल फॉर सोसाइटी और सोसाइटी के लिए नुकसानदेह भी ना हो बल्कि मुफीद हो। तो इसका जवाब डी होगा। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ मस्ट, डू यू एग्री। कहता है कि आपके ख्याल में आप समझते हैं कि डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिलिमिटेशन होती क्या है। तो डिलिमिटेशन कहते हैं जब आप अपने प्रॉब्लम को, अपने मसाइल को, अपने रिसर्च इशू को, अपने रिसर्च टॉपिक को, अपने रिसर्च की जो पॉपुलेशन है उसको वक्त, रिसोर्सेज या टाइम की वजह से कम कर देते हैं। मसलन आपने पूरे प्रोविंस पर रिसर्च करने का सोचा हुआ होता है लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आपके लिए अवेलेबल डेटा तक रसाई एक्सेस मुश्किल होगी, मुमकिन नहीं होगी, तो आप उसको कम कर देते हो, उसको पूरे प्रोविंस से हटा के आप कुछ डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हो, तो ये डिलिमिटेशन कहलाती है। तो पूछ रहा है कि डिलिमिटेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ मस्ट, क्या ज़रूरी है, डू यू एग्री। तो इसका जवाब ऑप्शन ए होगा, यस। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम मीन्स, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट ऑफ रिसर्च, वाई ऑफ रिसर्च, हाउ मैनी ऑफ रिसर्च, ड्राइंग अ बाउंड्री अराउंड इट। तो इसका जवाब अभी हमने ऐसे के डिस्कस किया, जवाब ऑप्शन डी होगा कि उसके गिर्द बाउंड्री लगा देना, उसको लिमिट कर देना। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव फॉर्मुलेशन इंफॉर्मेशन और प्रोविजनल गैस विच सीम्स एंड एक्सप्लेन्स द सिचुएशन अंडर ऑब्जर्वेशन। Who defined hypothesis as this? किसने hypothesis की इस तरह से तारीफ की है? तो इसका जवाब डी है, के एस सिद्धू। उम्मीद है कि आपको ये क्विक रिव्यू सीरीज़ पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।